दोस्तों सीएसआईडी को लेकर एक कमेंट है, और ये कमेंट क्या है, अभी दीपक सोनाकर ने ये लिखते हैं, मुझे न्यू सीएसआईडी के लिए 3200 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस कराने के बोल रहे हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि ये ज़रूरी है और आपको कराना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों इंश्योरेंस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी पहले भी, जिसमें एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था कि उनसे डीएम बोल रहा है कि पहले इंश्योरेंस कराए। ठीक है, इसमें मैंने वीडियो बनाई थी और डीएम से बात करी थी, डीएम ने बोला था कि इंश्योरेंस कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको बिना इंश्योरेंस के ही सीएससीआईडी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आप एक काम कर सकते हैं, आपका जो डीएम है आप उस डीएम से बात मत करो, जो डीएम आपको बोल रहा है ना कि आप हेल्थ इंश्योरेंस कराओ उससे बात मत करो, दूसरे डीएम से बात करो। ठीक है, और आप एक चीज क्लियर कर लो पहले कि अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही थे, सब कुछ ओके था, तो थोड़ा वेट कर लो, अपने आप ही आपकी आईडी अप्रूव हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी डीएम आपसे पैसा मांग रहा है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस कराने की बोल रहा है या कुछ भी कराने की बोल रहा है, तो आप उसे मत कराओ, आप क्या करो, आप दूसरे डीएम से बात करो। ठीक है दोस्तों, उसको वेरीफाई कर लो कि सर ऐसा कंपलसरी है क्या, वो आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका जो इलाका है, आपका जो एरिया है, वहाँ पर कुछ नए रूल आ गए हों। ठीक है, इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं, अब आपके स्टेट में क्या चल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप पहले वेरीफाई कर लो एक बार कि वास्तव में डीएम सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है। इसको वेरीफाई कैसे करोगे, इसके लिए आप दूसरे डीएम से बात करोगे, आपका जो नज़दीकी जो आपका स्टेट है, सॉरी जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका डिस्ट्रिक्ट के नज़दीकी दूसरा डिस्ट्रिक्ट आता है, उसके डीएम से बात करो और इस चीज़ को वेरीफाई कर लो कि सर ऐसी बात है क्या। अगर बोलते हैं कि हाँ आपको कराना पड़ेगा, तो उस केस में आपको कराना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, वैसे अगर मोटा मोटा देखा जाए तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आपको आईडी 1489 रुपये में ही मिल जाती है, जो कि आपके टैक एग्ज़ाम के आपने फीस दी थी, उसके अलावा आपको कुछ नहीं लगता। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, इसके अलावा दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपने एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कीजिए, जैसे कि आप लोग कर रहे हो, तो ऐसे बताइए हमें, ताकि हमारे माध्यम से और लोगों को भी पता चले कि आखिर सीएससीआईडी में हो क्या रहा है, कितने पैसे लग रहे हैं, क्या क्या चीज़ मांगी जा रही है। इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ, वीडियो पसंद आती है लाइक ज़रूर करें, थैंक यू वेरी मच।